सिट यार सिट, मेरी पक्की गोटी मार दी। तू क्या कर रहा है? चुप कर जा रोमियो, चुप कर जा। बहुत सीरियस गेम चल रही है लूडो की। तू दो दो गेम खेल रहा है? नहीं तो एक ही खेल रहा हूं। तू अपने आप से लूडो खेल रहा है? तो मजा तो आ रहा है ना। तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। ये तेरी जैसी आवाम ना एक वक्त पे सारा सारा दिन फेसबुक बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे होते थे। मेरी पिक्चर्स पे इतने कभी लाइक्स नहीं आए जितनी मेरी फेसबुक पे कैंडी क्रश की नोटिफिकेशंस आती थी। और यही हाल आजकल लूडो का है। हर बच्चा बड़ा, अंकल आंटी पापा मामा चाचा चाची फुफा फुफी नौकराना नौकरानी, सारे लूडो के पीछे पागल। अबे खेलने के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को? अच्छा सुन मेरी बात, मैं एक पीर बाबा के पास गया था। कौन पीर बाबा? बाबा बर्दाश्त अली खान। बाबा बर्दाश्त, ये कैसा नाम है भाई? पता नहीं। ओ, लगता है इनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरी बात चिंटू, ऐसे किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाते। खैर मैं बाबा बर्दाश्त के पास मैं नहीं बता रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। खैर मैं बाबा बर्दाश्त के पास गया, उन्होंने ये मुझे दो गोलियां दी हैं जो जादू से तैयार हुई हुई हैं। उन्होंने बोला है बेटा ये दो गोलियां खा ले, सारी लड़कियां तेरे पे फिदा हो जाएंगी। अबे दोनों नहीं खानी थी, मुझे साइड इफेक्ट्स तो बताने देता। कौन से साइड इफेक्ट्स? बाबा बर्दाश्त ने बोला है कि जब ये तुम गोलियां खा लोगे तो तुम खाली सच बोल सकते हो, तुम झूठ बोल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल सकता? मैं तो बोल सकता हूं। चल टेस्ट कर लेते हैं। तूने मुझे बताया था कि तेरे मैथ के एग्जाम के अंदर 91% आए थे। मुझे यकीन नहीं होता, कितने आए थे मैथ के एग्जाम में? तो मेरे 90 It's working. Yes? मेरे से झूठ क्यों नहीं बोला जा रहा? चिंटू सच सच बोल, कितने आए थे? 19% 19%? तो यार वन अगर नाइन के इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात तो वही है ना यार। हाँ हाँ यार, मैंने तो सारे सही जवाब लिखे थे। मेरे सामना को मेरे से ऐसे ही नफरत है। ऐसे ही नफरत नहीं थी उनको, उनके क्लास में आने से पहले थंब पिंस उल्टी करके उनकी सीट पे किसने लगाई थी, और वो बेचारी आके बैठ भी गई थी तो सबसे ज्यादा कुत्तों की तरह तू ही हंस रहा था। बेचारी में सामना 2 महीने खड़े होके लेक्चर दिया उन्होंने, बेचारी बैठ भी नहीं पा रही थी। एक सवाल था फाइंड एक्स। हाँ सिंपल है, तूने क्या लिखा? मैं लिखा नो, दिस इज द पर्सनल क्वेश्चन, मैं क्यों ढूंढू जाके यार अपनी एक्स को, मेरे ब्रेकअप हुए भी 2 महीने हो गए हैं। यूं थोड़ी कि कोई भी कहेगा मुझे जाओ ढूंढो अपनी एक्स को, मैं जाके एक्स को ढूंढना शुरू कर दूंगा। जीनियस ब्रो। अच्छा तू मुझे ये बता कि तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब यानी कि मैं कैसा हूं? ओ अमेज एक नंबर का कुत्ता है तू, लेकिन जो भी है अपने बाप से बेहतर है। हाँ 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 ऐसी की तैसी अंकल, मैं ये नहीं। नो तू चुप रहेगा। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे की तैसी अंकल। बाबा बर्दाश्त ने एक और चीज बताई कि जो दोस्त आपसे बर्दाश्त नहीं होते वही तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं।